क्या भाव? क्या क्या भाव? दूध का? मुझे क्या पता? दूध वाले होके दूध का रेट नहीं पता तुम्हें? चलना चलना। मैडम अभी निकली है, शायद रोज सुबह वॉक पर जाती होगी। दो दिन मिले हैं उसे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए पत्रा। तुम्हें लगता है कितना कीमती वक्त वो टहलने में जाया करेगी? जरूर उसके दिमाग में कोई खुराफात चल रही है। साय की तरफ पीछे रहो उसके, एक सेकंड के लिए भी आंखों से ओझल नहीं होनी चाहिए वो। ठीक है मैडम। बस एक बार बिल्ला ये ड्रग पैडलर का पता लगा ले, फिर देखो हम क्या करते हैं। पॉलिश चमका दे इसको, चेहरा दिखना चाहिए। अबे चप्पल को तो मैं चमका दूंगा, और इस शक्ल का क्या है? इसकी हालत ना इससे ज्यादा खराब है। शक्ल ना सूरत, और चप्पल पॉलिश करानी है। अबे क्या बोल रहा है, मेरी शक्ल क्या? अरे चल निकलना। शक्ल सूरत सही है नहीं, आ जाते हैं भीख मांगने एकदम। अबे मैं भीख मांगता नहीं हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, बस इस शहर में नया हूँ तो जुगाड़ ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा है, मुझे हलवा चाहिए। अबे हलवा चाहिए ना तो किसी हलवाई के पास जा, हैं? इधर पे ना जूते मिलेंगे, दूं क्या तुझे? अरे नहीं भाई, मुझे हलवा चाहिए, समझना भाई समझना, हलवा, मेरे पास बहुत पैसे है। हाँ यकीन नहीं आता, ये देख पैसे। पैसे थे, चोरी हो गए पैसे। ए, 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 चलना, ए, चल निकल निकल अभी। बैल साहब उधारी दे दो ना। ए, चलना है नहीं यहाँ। का चोरन आदमी है ये बिल्ला, हाँ? इसको इतना स्टाइल मारने का कहाँ जरूरत है, पहले तो हमको ये बताओ तो। सब कुछ गड़बड़ करके रख दिया इसने। दही? क्या दही? दही का क्या भाव है? मुझे क्या पता दही का भाव। दूध का भाव पता नहीं, दही का भाव पता नहीं, कैसा दूध वाला है मेरे भाई। ये क्या कर रही हो मैडम? ये क्या, नशेड़ी लगेंगे ना? हाँ नशेड़ी लगेंगे, आप भी खोल दो। बात तो सही है तुम्हारा, है ना? आई एम वेरी स्मार्ट। हाँ यू आर स्मार्ट। भैया ये चप्पल ठीक कर दो, टूट गई है। हलवा मिलेगा क्या? हलवा ऐसे क्या देख रहे हैं आप? अरे मैडम हलवे को हलवा मांगते रोज रोज सुना देखते ना, इसलिए थोड़ा सा। क्या बोले तुम? अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, वो ना वो सुबह से इन्होंने हलवा नहीं खाया ना तो सब पे भड़क रही है, तो हलवा हलवा दे दो प्लीज, बहुत बहुत तलब लगी है हलवा की। तलब लगी है आपको? तो मैडम इसके बदले हमको क्या मिलेगा? हमको भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। अरे मैडम 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 अरे मैडम मैडम मिल गया ना आपको हलवा, तो आप रख लीजिए मैडम। हम हलवा नहीं चाहिए, नाम चाहिए। आप दोनों हैं कौन मैडम? पुलिस। मैडम सर आप यहाँ
इसका मतलब आपने मुझे मैसेज करके यहाँ बुलाया था, पर वो नंबर तो आपका नहीं था, तो किस तरह? वो सब बताने का वक्त नहीं है हमारे पास। हमने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि इस सिचुएशन में सिर्फ एक तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो। लेकिन उससे पहले तुम्हें वादा करना होगा कि तुम हमारे बीच की बातें और जो हम आगे बताने वाले हैं वो किसी को नहीं बताओगे। राज रहेगा, कॉन्फिडेंशियल रहेगा। इतना भरोसा कर सकते हैं हम तुम पर? भरोसा तो मैडम आप मुझ पर कर चुकी है, वरना मुझे यहाँ ना बुलाती। आप इतना भरोसा किया है तो पूरा भरोसा कर लो ना। और बताओ क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? ठीक है, कल के न्यूज़पेपर में तुम एक खबर छापोगे और वो खबर होगी ये। मैडम ये क्या, ये कैसे सच हो सकता है? हमारे पास ये सब बताने का समय नहीं है, ठीक है? इतना कर देना, बाकी की चीजें हम बाद में बताएंगे। हम निकलते हैं वरना हमें कोई देख लेगा। ओके। कितना भी मार लो मैडम, मैं गैंडा चमड़ी हूँ, मैं जान दे दूंगा लेकिन अपनी गैंग के साथ गद्दारी नहीं करूंगा मैडम। मैं मां का तो बाकी कह रहा हूं। अच्छा देखिए, अगर हसीना मैडम यहाँ होती ना तो अपने जज्बातों वाले तरीकों से इसका मुंह खुलवा लेती। आप भी थोड़ा उनकी तरह सोच के देखिए ना। पॉसिबल ही नहीं है। हमें भी पता है संतोष, इनके लिए बहुत मुश्किल है। नहीं नहीं, इतना भी मुश्किल नहीं है, आप कर सकती है। सोचिए अगर वो इस वक्त यहाँ होती तो वो क्या करती? नहीं, हमें नहीं सोचना है किसी के तरीके से। हमारा तरीका अच्छा है, हम अपने तरीके से उगलवाएंगे इसे सारा सच। देखा हमारी बहू रानी। बिल्ला कितना टाइम? बस आ गया मैडम, जल्दी आओ। ये तो हलवा है मैडम, ये यहाँ क्यों मंगवाया है? ओ, करिश्मा जी ने इतना मारा कि इसको ये हलवा नजर आ रहा है। पुष्पा जी, हलवा नहीं है, कुचले की पाउडर है, कुचले की पाउडर। हाँ? बकैती नहीं, अंदर आओ। जाओ जाओ अंदर। हाँ हाँ। क्या बात है? मैडम ये खुजली क्या? अरे मैडम मैडम ये तो खुजली होने लगी। मैडम 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 पानी पानी। अच्छी बहुत खुजली हो रही। मैडम 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 मैं आपको सब 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 बता दूंगा मैडम। बताओ, सुन रहे हैं, सच बताओ। मैडम उसका नाम ना बब्बन है मैडम, और मैडम वही असली असली सप्लायर है मैडम, आप उसको पकड़ लीजिए मैडम, वो आपको सब कुछ बता देगा मैडम। जानते हैं आप भीतर हैं और हमें सुन भी रही हैं। मिल लीजिए, अधिक समय नहीं लेंगे आपका। जय हिंद सर। जय हिंद। अग्रिम सूचना दिए बिना चले आए इसलिए क्षमा चाहते हैं। इट्स ओके सर, हम भी आपके घर कई बार बिना बताए आए हैं, तो इट्स ओके। आप प्लीज अंदर आइए, बैठकर बात करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। कॉफी ठीक है सर? बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें पसंद है। वैसे हमारे प्रेफरेंसेस काफी मिलते जुलते हैं। आप ठीक हैं? आपको क्या लगता है, आप तो इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं। इंसान की बॉडी लैंग्वेज से, हाव भाव से सब कुछ समझ जाते हैं। अम्मा कहती है कि आंखें इंसान के व्यक्तित्व का सबसे स्पष्ट दर्पण होता है। आंखें सब कुछ बयान कर देती हैं, बस उन्हें पढ़ने वाला चाहिए। क्या लगता है हमारी आंखों में क्या है?
एक बहुत ही गहरी खामोशी। ये तूफान के पहले की खामोशी भी तो हो सकती है। इसी बात की तो चिंता हो रही है। प्रचंड भवंडर के बीचों बीच फंसा कोई इंसान इतना शांत और खामोश कैसे रह सकता है? अगर आपकी जगह कोई और होता तो इस तरह आराम से कॉफी नहीं पी रहा होता, बल्कि इस मौके का लाभ उठाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा होता जो उसे खुद को निर्दोष साबित करने के लिए मिल रहा है। और ऐसा दो ही स्थितियों में हो सकता है, या तो आप मुजरिम को जानती हैं या तो आप खुद मुजरिम हैं। आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सबसे करेक्ट है? सच कहें तो पहली बार किसी विषय में ठीक अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। पहली बार किसी की आंखें पढ़ने में असफल सा अनुभव हो रहा है। पहली बार किसी राज की गहराई का अंदाजा लगाने में विफल हो रहे हैं। अर्ज किया है, कुछ बात है अपनी तो कुछ अंदाज तेरे भी तो हैं, कुछ छुपाया है हमने तो कुछ राज तेरे भी तो हैं। अब अंजाम ही खोलेगा राज अपना, कुछ चाहते हैं मेरी तो कुछ सपने तेरे भी तो हैं। हम तो समझते थे कि इस सृष्टि के सबसे रहस्यमयी शख्स हम हैं, लेकिन आपने हमें गलत साबित कर दिया। लेकिन हमें इतना तो पता है कि आप सच जानती हैं। बताइए मिस मालिक, आपका राज क्या है? खामोश राज जब खुलते हैं तो बहुत शोर मचाते हैं सर, सैलाब आ जाता है, सब कुछ बहा कर ले जाते हैं। इसलिए हमें लगता है कि कुछ राज राज ही रहें तो बेहतर है। मैडम पहले से तपे हुए हैं, झूठ बोलकर सब्र की परीक्षा मत लो, वरना हम मार मार के तुम्हारा चितड़ा उड़ा देंगे। देखो मैडम, मैडम की गाड़ी में ड्रेस की अम्मा कर लो, तुम कर लो, तुम भी कर लो, निकल लो अच्छे से, पहले तुम दोनों कर लो। एक काम करो, इंटरोगेशन भी तुम ही कर लो, कोर्ट भी तुम ही ले जाना, फांसी पे तुम दोनों ही चढ़ा देना। हम तो यहाँ दौड़ने आए हैं ना, टोपा है क्या हम? सुनो बबन, सच सच बताओ हमें, तुमने ही हसीना मैडम की गाड़ी में ड्रग्स रखे है ना? नहीं मैडम, ये झूठ है, हमने किसी को नहीं फंसाया है। झूठ मत बोलो, तुम भाई तो। मैं सच कह रहा हूँ मैडम, मैंने किसी को नहीं फंसाया है, उल्टा हसीना मैडम खुद मुझसे ड्रग्स खरीदी थी। पता भी नहीं था कि वो एक पुलिस वाली हैं। वो तो जब उनकी गिरफ्तारी की खबर अखबारों में पढ़ी तब पता चला कि वो तो महिला थाने की SHO हैं। हसीना मैडम और ड्रग्स? आप लोग यहाँ अंदर कैसे आए? सॉरी मैडम, सर करिश्मा मैडम ने बोला कि लॉक खोल दो तो मैंने खोल दिया। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। माफी चाहते हैं कि बिना परमिशन के आपके घर घुसाए हैं, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता बचा नहीं था आपसे मिलने का, इसलिए। करिश्मा सिंह, हम आपसे पहले भी कह चुके हैं आपको हमारा हेल्प नहीं चाहिए, हम भी आपका हेल्प नहीं करने आए हैं, अपना ड्यूटी निभाने आए हैं, आपसे कुछ सवाल है। कैसा सवाल? एक ड्रग डीलर है बब्बन, उसका कहना है आपने उससे ड्रग्स खरीदे हैं। ऑफिशियल स्टेटमेंट देने को तैयार है, कोर्ट में गवाही देने को तैयार है। नहीं, हम जानते हैं ये सब झूठ है, आप ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकती, इसलिए उसको बहुत मारा हमने, इतना मारा कि मार मार के अधमरा कर दिया, लेकिन फिर भी वो अपना स्टेटमेंट बदलने को तैयार नहीं है। अड़ा हुआ है कि आपने उससे ड्रग्स खरीदे हैं। आप बता सकती हैं कि क्या सच और क्या गलत है? वो इतने आत्मविश्वास के साथ कैसे कह रहा है कि आपने उससे ड्रग्स खरीदे हैं? एक बार आप अपने मुंह से कह दीजिए ये सब झूठ है, आपको फंसाया जा रहा है,
हम यहाँ से चले जाएंगे मैडम सर, और कुछ नहीं पूछेंगे आपसे। एक बार बोल दीजिए आप। ठीक है, नहीं कह रही ना आप कुछ भी। आपको क्या लगता है हमारे पास कोई और तरीका नहीं है सच उगलवाने का? हम दोबारा से पकड़ेंगे उस ड्रग डीलर को और वापस से उतना मारेंगे जब तक वो स्टेटमेंट नहीं बदलेगा ना, तब तक मारेंगे उसको। चलो सुन, रुक जाइए करिश्मा सिंह। बब्बन जो कुछ भी कह रहा है वो इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए कह रहा है क्योंकि वो सारी बातें सच है। हमने उसे ड्रग्स खरीदे हैं। भगवान भी हमें आकर कहता ना कि आपने ड्रग्स खरीदे, हम नहीं मानते। लेकिन आपने खुद ने एक्सेप्ट किया कि आपने ड्रग्स खरीदे हैं, तो फिर मजबूरन हमें आपको थाने ले जाना होगा। हम SI करिश्मा सिंह महिला पुलिस थाना आपको इलीगल ड्रग्स खरीदने के आरोप में हिरासत में लेते हैं। चलिए। करिश्मा मैडम, संतोष, इट्स ओके। करिश्मा सिंह वही कर रही हैं जो उनकी ड्यूटी है, जो उन्हें सही लगता है। हम उनकी जगह होते तो हम भी यही करते। चलिए। जानते हैं आप अभी भी हमसे कुछ छुपा रही है। जब तक हम नहीं जान जाते ना वो बात क्या है, तब तक हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। पता तो हम लगा कर रहेंगे कि आपके दिमाग में आखिरकार चल का रहा है। अमर टोपा होगा, तुम दिखाई नहीं दे रहे तुमको। हाँ? कौन चीनो जग? नहीं तो क्या? बोलिए मैडम सर। मैं आपने हसीना मैडम को गिरफ्तार किया? आपकी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? नहीं नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि हसीना मैडम है वो, आपकी कैसी हिम्मत हुई उन्हें अरेस्ट करने की? चाहे कोई कुछ भी कहे, आप तो जानती है ना वो कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। हाँ जानते हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन कानून कायदा भी कोई चीज होता है कि नहीं है पुष्पा जी? जब वो खुद अपना जुर्म कबूल कर रही है तो फिर हमारा भी हक बनता है ना कि हम भी उनसे पूछताछ करें, हिरासत में लेके। और आपको हमारा गिरफ्तार करना दिखाई दे रहा है? उन्होंने जो अपना जुर्म कबूल करके पुलिस की हिरासत से जो भागी है वो दिखाई नहीं दे रहा है ना आपको? उसका कुछ नहीं पड़ा है आपको? देखिए, जितना हम हसीना मैडम को जानते हैं ना, वो बेवजह कोई भी चीज नहीं करती। इसके पीछे भी जरूर कोई वजह होगी, वरना हिरासत से भागने वाला बेवकूफी भरा काम वो क्यों करेंगी? हम सबसे ज्यादा तो कानून वो जानती है। जानती है ना, तो उनको ये नहीं पता है कानून से भागने का क्या मतलब होता है? कानून की नजरों में खुद को दोषी साबित होना। और ये सब बातें छोड़ो, उन्होंने कबूल किया है कि उन्होंने बब्बन से ड्रग्स खरीदा है पुष्पा जी। ये बहुत बड़ा वजह है खुद के लिए मुश्किलें बढ़ाने का। सच हमेशा वो नहीं होता जो हमें दिखाई देता है। एक सच के पीछे हजार अलग अलग नजरिए हो सकते हैं। एक काम कोई भी अपराध तब कहलाता है जब उसके पीछे की मंशा गलत हो या गैर कानूनी हो। मैडम सर ने अगर बब्बन से ड्रग खरीदी है तो उसके पीछे भी जरूर कोई कारण होगा। वो क्या कारण है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, हम नहीं समझ पा रहे ना क्या सच है। मैं बताती हूँ सच क्या है। जी आप? मैं तुम्हारी हसीना मैडम की मैडम हूँ, उस स्कूल की प्रिंसिपल जहां तुम्हारी हसीना मैडम कभी पढ़ा करती थी। कुछ दिन पहले मैंने ही उसे फोन किया था कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ। ड्रग्स ओवरडोज का केस है, जरूरत से ज्यादा ड्रग्स लेने की वजह से इसकी तबीयत बिगड़ गई है। शुक्रिया डॉक्टर। ये मेरा स्टूडेंट पवन है, आज सुबह स्कूल के बाथरूम में बेहोश पड़ा मिला। इसके पास एक ड्रग्स का पैकेट भी पड़ा मिला, तो
बहुत ही सीधा सादा और अच्छा बच्चा है। पता नहीं इसे लत कब और कहाँ से लग गई। बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है हमारे स्कूल का। इसके सबसे अच्छे दोस्त का नाम क्या है? आकाश। आकाश रुको, आकाश आकाश रुको वरना गोली मार दूंगी। देखो आकाश, हमारी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी मम्मी, काउंसलर, हम सब यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए ही हैं। अच्छे से शांत हो जाओ और फिर इस बात का जवाब दो, क्या तुम ड्रग्स लेते हो? हाँ, लेता हूँ। क्यों? दोस्तों के साथ मिलकर कुछ नया ट्राई करना चाहता था, लेकिन उसके बाद इसकी आदत हो गई और अब तो छोड़ना चाहता हूँ लेकिन छोड़ नहीं पा रहा हूँ। आकाश, सबसे अच्छी बात यह है कि तुम जानते हो कि तुम जो कुछ कर रहे हो वो गलत है और इससे बाहर आना चाहते हो। आधी जंग तो तुम वैसे ही जीत चुके हो, इसलिए घबराओ मत। हम सब मिलकर इस नशे के शैतान से लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। अब एक और एक बात बताओ, क्या तुम्हारे दोस्तों में, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में और भी कोई है जो ड्रग्स लेता है? स्कूल के ज्यादातर बच्चे लेते हैं मैम, मेरी तरह बहुत से बच्चे हैं जो इस बुरी लत का शिकार है। लेकिन तुम इतने अंडर एज हो, तुम्हें ड्रग्स मिलते कहाँ से? बहुत आसान है मैम, एक फोन कॉल पर जब चाहो वहां मिल जाती है। एक बात बताओ, वो जो ड्रग डीलर है जो तुम्हें ड्रग्स सप्लाई करता है, उसका नंबर दे सकते हो? फिर एक रात मैंने हसीना को किसी आदमी से ड्रग्स खरीदते देखा। क्या ये सब चल क्या रहा है? कुछ समझाओगे मुझे हसीना मल्लिक? मुझे तो लगा था तुम ड्रग्स डीलर को जेल भेजोगी, पर तुम तो खुद उससे ड्रग्स खरीद रही हो। आखिर ये सब हो क्या रहा है? वक्त आने पर आपको सब कुछ समझ आ जाएगा मैम, भरोसा रखिए। आपकी स्टूडेंट है, आपको ना उम्मीद नहीं करेंगे। हेलो, पुलिस हेडक्वार्टर्स, राजापुल नाके के पास अभी एक पुलिस की गाड़ी आएगी जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ हैं। मैम मैम मैम, रिलैक्स रिलैक्स, हम अच्छे से जानते हैं हम क्या कर रहे हैं, आप घबराइए मत। उम्मीद करते हैं कि हमारे बीच की ये जितनी भी बातें हुई वो कॉन्फिडेंशियल रहेंगी, क्योंकि अगर इसमें से एक भी बात वक्त के पहले बाहर आ गई तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मैम, आई रियली होप यू अंडरस्टैंड। ये सब हसीना ने मुझे मना किया था बताने के लिए, लेकिन जब न्यूज़ देखी उसकी अरेस्ट होने की तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने आप सबको ये बता दिया। लेकिन आखिर ये हसीना ने किया क्यों? पहेली बन गया है ये, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खुद ड्रग्स खरीदती है, फिर फोन करके खुद को अरेस्ट करवाती है। एक ड्रग्स सप्लायर को पकड़वाने के लिए खुद को फंसाने का क्या जरूरत है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। क्या, क्या चल क्या रहा है उनके दिमाग में? ये तो सरासर सुसाइड हुआ, पर मैडम सर ऐसा क्यों करेंगी?